हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल गुमे किसी के प्यार में मानसी तल को इस तरह से दिखाया गया है शो में, क्योंकि अब आने वाला है एक नया तूफान। जी हां दोस्तों, यहां पर सभी घर वालों को और पत्रलेखा को तो तब झटका लगेगा जब सई ने तो इनवाइट किया होता है कॉलेज में फंक्शन के लिए, लेकिन डांस परफॉर्मेंस उसकी विराट के साथ होगी। और ये सब कुछ देखकर घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे, और साथ में सई और विराट का ये डांस देखकर पत्रलेखा के तो सांप लौट जाएंगे, और वो बहुत ही पूरी तरह से यहाँ पर बिहेव करने वाली है। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है कि विराट ने भी इतनी बड़ी बात छुपाई कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला था। और इसी बात को लेकर पत्रलेखा घर पर आते ही शो के बाद ड्रामा शुरू कर देगी कि विराट भी सई के चंगुल में फंसता जा रहा है और वो अपनी वाइफ की ही बात मानता है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात थी कि विराट भी परफॉर्मेंस देने वाला था, अगर ये सही हमें पहले बता देती तो हम खुद ही वहाँ चले जाते और पुलिस तक बुला ली घर पर। उस बात को लेकर पत्रलेखा, भवानिका को, निनाद, ओमी, ये सब लोग काफी ज्यादा नौटंकी करने वाले हैं, और इस बात को लेकर बात इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर सई को भी बोलना पड़ जाएगा बीच में, और विराट और सई के सामने सब कुछ ड्रामा होने वाला है। विराट भी मुंह तोड़ जवाब देने वाला होगा, लेकिन उससे पहले ही बहुत बुरा गुस्सा यहाँ पर दिखाया जाएगा मानसी तई का। जी हाँ दोस्तों, हर बार वो पत्रलेखा और हमेशा बखेड़ा खड़ा कर देती है, इस बात पर मानसी तई उसे जोरदार तमाचा मारेगी और कहेगी कि तुम्हारे यहाँ पर पति नहीं हो, यहाँ पर पति नहीं है, लेकिन तुम्हें हमेशा विराट और सई की ही बातों में इंटरेस्ट रहता है। तुम कभी अपने आप पर और अपने सास पर भी ध्यान दे दिया करो, और यहाँ पर सम्राट नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम मन चाह कुछ भी यहाँ पर बखेड़ा खड़ो करो और घर में अशांति बनाए रखो। तो जब भी तुम देखो सई और विराट के पीछे पड़ी रहती हो, इसका माजरा क्या है? तुम्हें समझ नहीं आता कि विराट और सई का अपनी भी कोई मर्जी हो सकती है? और विराट ने कहा तो सही कि वो सई को सपोर्ट करने वहां गया था, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और सई के पार्टनर की तबीयत खराब होने की वजह से ही विराट को चांस मिलता है सई के साथ परफॉर्मेंस देने का, और इसी वजह से सई कॉम्पिटिशन भी जीत जाती है। तो दोस्तों, इसी वजह से विराट यहाँ पर सपोर्ट करता है सई को, लेकिन ये बात पत्रलेखा को समझ नहीं आती और वो बखेड़ा खड़ा करती है। लेकिन यहाँ पर इसकी सास ही उसे एक थप्पड़ मारती और कह देती कि आइंदा से इसे कुछ भी बकवास करने की कोशिश मत करना, और घर में बखेड़ा खड़ा करने से पहले ये सोचना कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो तुम इस बात को समझो और आगे से ध्यान रखना इन सब चीजों का। और पत्रलेखा की बोलती बंद तो करेगी और हमेशा के लिए उसको चुप रहने के लिए भी कह देगी।